Hello students, hamari aaj ki video ka topic hai accessing two dimensional array index with examples. Is video mein hum log dekhenge ki hum log kaise jab bhi koi two dimensional array banate hain to uski elements ko hum log uski index ki madad se access kar sakte hain ya istemal kar sakte hain. Is cheez ko hum log samjhenge kuch examples ki madad se. सबसे पहले एग्जांपल में देखते हैं कि हमें कहा जा रहा है क्रिएट अ टू डायमेंशनल एरे. हमने एक टू डायमेंशनल एरे बनाना है ऑफ थ्री रोज एंड फोर कॉलम्स, जिसकी कुछ इस तरह की तीन रोज होंगी और चार जो हैं वो कॉलम्स होंगे. और एंड में हमें कहा जा रहा है मेक श्योर दैट यूजर एंटर्स द एरे एलिमेंट्स, यानी ये जो यहां पर वैल्यूज लिखी जाएंगी हमारे प्रोग्राम के अंदर ये वो वैल्यूज होंगी जो यूजर हमें बताएगा. इससे पिछली वीडियोस में जब हमने एरे को इनिशियलाइज किया था तो हमने देखा था कि वो वैल्यूज हम लोग खुद एंटर कर रहे थे, यानी जो भी प्रोग्रामर उस कोड को लिख रहा था वो एंटर कर रहा था. अब हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो यूजर्स से पूछेगा कि वो यहां पर क्या वैल्यू डालना चाहता है. तो आइए इस चीज को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं इंटीजर डाटा टाइप का, जिसका नाम रख लेते हैं ए डबल आर. अब इस एरे की कितनी रोज होनी चाहिए, इस एरे की जिस तरह एग्जांपल में लिखा था तीन रोज और चार कॉलम्स होने चाहिए, तो यहां पर थ्री रोज और फोर कॉलम्स आ गए. ये हमने अपने एरे को डिक्लेयर करा दिया. अब हमने क्या करना है, एक ऐसा कोड लिखना है जिसकी मदद से इन तमाम वैल्यूज को यूजर से पूछकर फिल किया जाए. इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर लूप का. फॉर लूप का इस्तेमाल इन रोज को एक्सेस करने और इन कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए किया जाएगा, यानी कि इन रोज को इस्तेमाल करने और कॉलम्स को इस्तेमाल करने के लिए. फॉर लूप हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, फॉर जिसमें हम लोग एक फॉर लूप का वेरिएबल यानी कि एक इंटीजर वेरिएबल आई इज इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, और ये आई हमारे पास स्मॉलर देन थ्री होना चाहिए. स्मॉलर देन थ्री इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारे पास तीन रोज हैं. तो और रो का इंडेक्स यहां पर देखा जा सकता है, जिस तरह कि आपको याद भी होगा कि रो का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है एरे के अंदर, और जीरो वन टू तीन रोज थी, थ्री रोज थी, तो जीरो वन टू, टू इज स्मॉलर देन थ्री. तो यहां पर हमने लिखा कि आई स्मॉलर देन थ्री तक जाए और हर दफा प्लस प्लस हो जाए. यानी इस लूप की मदद से हम लोग रो जीरो पे जाएंगे, फिर जब आई प्लस प्लस होगा तो रो वन पे आ जाएंगे, और फिर आई प्लस प्लस होकर रो टू पे आ जाएंगे. अब जिस तरह के आपको याद हो कि ये एक टू डायमेंशनल एरे है, इसमें किसी भी अगर ब्लॉक पर मैंने जाना है तो उस पर जाने के लिए मुझे रो का भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ कॉलम का भी पता होना चाहिए. तो अभी तो हमने एक लूप लगाया जो रो की वैल्यू को चेंज कर रहा है, यानी पहले हम इस रो में होंगे जीरो में, जीरो से क्योंकि हमारा लूप वेरिएबल स्टार्ट हो रहा है, फिर वन में होंगे जब प्लस हो जाएगा, और फिर जब दोबारा प्लस होगा तो रो टू में आ जाएंगे. दरअसल ये रो थ्री है लेकिन इसका इंडेक्स टू है तो हम इसको रो टू ही बोल रहे हैं. अब इसी तरह हमने एक लूप लगाना है जो कॉलम्स के लिए हो, और जब रो और कॉलम दोनों को हम लोग मिला लेंगे तो उसकी मदद से हम लोग एक ब्लॉक पे आ जाएंगे, एक 2D एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर लेंगे. फॉर एग्जाम्पल रो जीरो होती और सेकेंड कॉलम होता, तो रो जीरो सेकेंड कॉलम हम लोग इस ब्लॉक पे आ जाएंगे. तो आइए अब कॉलम वाला लूप लगाते हैं, और वो लूप जो है इसी लूप के अंदर लगेगा. इसकी वजह हम अभी समझते हैं. यहां पर हमने एक और लूप लगाया जिसमें हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं जे, जिसकी वैल्यू को भी जीरो पे हमने इनिशियलाइज करवाया, क्योंकि बिल्कुल रो की तरह कॉलम के इंडेक्स भी जीरो से ही शुरू होते हैं. और कहां तक जाएंगे, स्मॉलर देन फोर तक, क्योंकि इसके इंडेक्स अगर देखा जाए तो जीरो वन टू थ्री ये स्मॉलर देन फोर है, क्योंकि चार ही कॉलम थे, और हर दफा जे की वैल्यू को हम प्लस प्लस कर देंगे ताकि अगले कॉलम पर मूव किया जा सके. अब यहां पर ये लूप के अंदर लूप लगाने का मकसद ये था कि पहली दफा जब ये आउटर लूप जो बाहर वाला लूप है वो चलेगा तो आई की वैल्यू जीरो होगी, यानी कि हम लोग जीरो रो में होंगे. अब आई की वैल्यू जीरो के लिए ये वाला लूप चलेगा चार दफा, क्योंकि जे फोर तक जा रहा है. तो आई की वैल्यू जीरो के लिए पहले जे की वैल्यू जीरो, क्योंकि जे जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और फिर उसके बाद जे की वैल्यू वन तो इस वाले ब्लॉक में, फिर आई की वैल्यू जीरो ही के लिए जे की वैल्यू टू तो इस वाले ब्लॉक में, फिर आई की वैल्यू जीरो के लिए ही जे की वैल्यू थ्री इस वाले ब्लॉक में. तो ये करते करते हमने इस पूरी रो की चारों के चारों कॉलम्स को एक्सेस कर लिया और इनको हमने विजिट कर लिया. अब हम क्या करेंगे, अब हमने अगली रो पर जाना है. तो अगली रो पर जाने के लिए ये लूप जब एंड होगा तो आई की वैल्यू दोबारा प्लस हो जाएगी. प्लस होगी तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, यानी हम इस वाली रो पे आ जाएंगे रो वन पर. और इस रो वन के लिए भी ये जे वाला लूप चार दफा चलेगा और ये चारों ब्लॉक भी हम लोग फिल कर लेंगे. फिर दोबारा आई की वैल्यू प्लस होके क्या हो जाएगी, टू.
2 के लिए भी j की वैल्यू 4 दफा प्लस सॉरी स्टूडेंट 0 से 3 तक जाएगी और ये तमाम सेल को हम लोग एक्सेस कर लेंगे। अगली दफा जब लूप चलेगा तो i की वैल्यू 4 हो जाएगी और ये लूप हमारे पास यहां पर कंडीशन क्योंकि फॉल्स हो जाएगी, सॉरी स्टूडेंट जब i प्लस होगा अगली दफा तो 2 से क्या हो जाएगी 3, और 3 जब हो जाएगी तो i स्मॉलर देन 3 नहीं है क्योंकि वो इक्वल टू हो गया है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लूप नहीं चलेगा। तो अभी हमने क्या किया कि इन दो लूप्स की मदद से, इन दो लूप्स को इस्तेमाल करते हुए हमने एरे के तमाम इंडेक्स को एक्सेस कर लिया, उनको हमने विजिट कर लिया। अब हमने इनके अंदर यूजर से वैल्यू को इनपुट करना है, तो उसके लिए हम लोग सिंपल यहां पर पहले लिखते हैं कि यूजर के पास लिखा हुआ आ जाए कि एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू। अब कौन सी वैल्यू एंटर करनी है, वैल्यू एंटर करनी है आई रो, एंटर द वैल्यू फॉर रो, कौन सी रो में वैल्यू एंटर करनी है, जो ये आई की वैल्यू होगी, तो एंटर द वैल्यू फॉर रो आई, और कॉलम कौन सा है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एंड कॉलम, कॉलम कौन सा होगा जे होगा, तो यहां पर हम लोगों ने जे लिख दिया। इससे क्या होगा कि हमारे पास लिखा आएगा एंटर द वैल्यू फॉर रो आई एंड कॉलम जे, तो अगर आई की वैल्यू 0 होगी और जे की वैल्यू फॉर एग्जांपल 2 होती है तो लिखा आ जाएगा एंटर द वैल्यू फॉर रो 0 एंड कॉलम 2, तो रो 0 और कॉलम 2 यहां पर आके वो वैल्यू सेव हो जाएगी। जब ये सी आउट करा दिया यूजर हम एक वैल्यू एंटर करेगा, अब उस वैल्यू को सेव कराना है सी इन की मदद से, कहां सेव करवाना है एरे के अंदर, और एरे के कौन से इंडेक्स पर, आई रो और जे कॉलम, इस इंडेक्स पर उसको सेव करा दिया। प्रोग्राम को कंट्रोल एस करके हमने सेव किया और एग्जीक्यूट में जाके इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। यहां पर ये एक सिंटेक्स एरर आ गया है, यहां पे सेमी कॉलन लगाना था तो ये हमने वो लगाया, कंपाइल एंड रन किया। अब आप देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट आ रही है एंटर द वैल्यू फॉर रो 0 एंड कॉलम 0, यानी कि इस वाली जगह की वैल्यू एंटर की जाए। तो जब इस वाली वैल्यू जगह की वैल्यू एंटर हम लोग फॉर एग्जाम्पल 5 कर देते हैं या 58 कर देते हैं, इसी तरह अगली जगह की वैल्यू एंटर रो 0 एंड कॉलम 1, इस वाली रो 0 और कॉलम 1 की वैल्यू को एंटर करें तो यहां पे भी कोई वैल्यू एंटर कर देते हैं, फिर कॉलम 2 कॉलम 3। अब आपने देखा जब रो 0 और कॉलम 3 की वैल्यू एंटर हो गई तो उसके बाद पूछा जा रहा है रो 1 और कॉलम 0 की वैल्यू एंटर करें, रो 1 और कॉलम 0। अब इधर आ गया कंट्रोल। अब यहां पर प्रोग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि आउटपुट जो है थोड़ी खराब हो रही है क्योंकि ये जो चीज हमने प्रिंट करवाई थी कि एंटर कॉलम 0 और जो यूजर एंटर कर रहा है वैल्यू 58 वो मिक्स हो रही है। तो आइए इस चीज को जरा सॉल्व कर लेते हैं। इस चीज को सॉल्व बड़ी आसानी से हम लोग बस यहां पर कुछ स्पेसेस छोड़ देंगे सी आउट के अंदर और इसको कंट्रोल एस करते हैं, एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। अब आप देखेंगे जब वैल्यू एंटर करेंगे तो वो डिस्टेंस के साथ आ रही है, मिक्स नहीं हो रही, पढ़ने में आसानी हो रही है। इसी तरह हमने ये तमाम वैल्यूज यहां पर एंटर कर दी और किस तरह एंटर की, ये तमाम हमने काम देखा इसके टू डायमेंशनल एरे के इंडेक्स को इस्तेमाल करके, और इनके इंडेक्स को हमने विजिट किस तरह किया, इन दो फॉर लूप्स की मदद से। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हमने देखा कि अगर कभी भी हमने टू डायमेंशनल एरे बनाना हो और उसकी वैल्यूज हमने यूजर से पूछ के एंटर करनी हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। अब आगे जाके हम लोग वीडियो में यही जो हमने 2D एरे एक बनाया है इसी को आगे जाके हम लोग प्रिंट करवाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।